Okay. So let's start with our first lecture of CA Foundation Law. This is going to be a fast track batch, right guys? So जैसे नाम ही कहता है, it's a fast track batch. Usually हमारा foundation law जो होता है, जो in all 60 marks का होता है, उसको complete करने के लिए मुझे 85 hours लगते हैं. Which is the regular batch. But now this is a fast track batch, so I'm assuming आपने already एक बार हमारा foundation law पढ़ लिया है या तो ऊपरी ऊपरी आपको knowledge है. So basically every topic is going to be covered in this particular batch, but in a little fast track manner. So you have to be really involved in all the decision making. You have to answer to everything that I am asking you all in class. मेरा लेक्चर जो है, मेरी क्लासेस जो है, मेरा सब्जेक्ट जो है, जरूर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी मोनोटोनस. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं बोलती रहूंगी बोलती रहूंगी बोलती रहूंगी और आपको मौका नहीं देने वाली हूं. इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरक्टिव. और प्लस हमारे लिए तो और एक बड़ा चैलेंज है कि हमारे जो लेक्चर्स है वो फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली कंडक्ट किए जा रहे हैं. तो एक प्रॉमिस मैं आप लोगों से भी चाहती हूं, दैट यू शुड बी सिंसियर टुवर्ड्स योर सेल्फ. लेक्चर देखते देखते बस लेक्चर बंद कर दिया, इंस्टा खोल दिया, फेसबुक खोल दिया, गेम्स खेलना चालू कर दिए या कोई सीरीज देखना चालू कर दिया, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ. आप लोगों का अटेम्प्ट जो है, आप लोग जानते हो 24 जून से शुरू हो रहा है. सो यू हैव वेरी फ्यू डेज रिमेनिंग फॉर योर अटेम्प्ट. एटलीस्ट इन दिनों में यू हैव टू बी सिंसियर टुवर्ड्स योर सेल्फ. इतना तो अपने लिए मुझे लगता है आप लोग कर ही सकते हो, राइट गाइज? और किसी के लिए नहीं मांग रही हूं, अपने लिए मैं ये सारी चीजें मांग रही हूं. किसका बर्थडे है? रिकी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू रिकी. ठीक है. और देखो क्लास में मस्ती होती रहेगी, बट नाउ मस्ती इज सेकेंडरी. व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव इज कम से कम समय में हमें हमारे पांचों भी लॉज जो है उसको कंप्लीट करना है, जिसके लिए मुझे आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, राइट गाइस? एंड डोंट वरी, जरूर ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है बट मेरा अप्रोच एकदम प्रैक्टिकल रहने वाला है. सो आपको कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत बोरिंग है. इनफैक्ट इसी सब्जेक्ट को मैं बनाने वाली हूं स्कोरिंग. ओके, सो प्लीज सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन, योर आईज एंड ईयर्स ओपन, सस्पेंड एनीथिंग एल्स दैट यू आर डूइंग एंड ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक. तो आपको आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा द इंडेक्स ऑफ माई बुक. एज यू ऑल नो, आई थिंक यू ऑल नो, इट इज अज्यूम दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि हमारे फाउंडेशन लॉ में पांच एक्ट होते हैं जिसको आपको पढ़ना है. फर्स्ट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड द LLP एक्ट. 60 मार्क्स का तो आपका सिलेबस है, बट इंस्टीट्यूट ने इंडिविजुअली कौन से एक्ट का कितना वेटेज है ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं किया है. बट जो 2018 में पहला अटेम्प्ट था सीए फाउंडेशन का, मतलब आपके न्यू कोर्स का, उस अटेम्प्ट से आज तक जब हम अटेम्प्ट का ट्रेंड देखते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ऑलमोस्ट 60 में से 25 to 30 मार्क्स क्वेश्चंस आर फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू द एक्ट विच हैज द मैक्सिमम वेटेज, विच इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. So let us begin with our syllabus. Okay. Notes were dispatched a month back. I don't know why didn't you get your notes. I thought everyone has got their notes. अगर आपको notes नहीं मिली है, please contact my dispatch team. Because it's been a month that the notes have been dispatched.
किसी ने पूछा है जो चेंजेस है मैम उसके बारे में कुछ बता दीजिए. लेट मी टेल यू वन थिंग. यस माई डियर फ्रेंड्स, फॉर द फास्ट ट्रैक बैच यू विल ओनली गेट द चार्ट बुक्स एंड द पीपीटी बुक्स. ओके, सो दिस इज नॉट द रेगुलर बैच, तो मेन बुक्स आपको नहीं मिलने वाली है. फास्ट ट्रैक बैच के हिसाब से आपको प्रोवाइड किए जाने वाले हैं ओनली द चार्ट बुक एंड द पीपीटी बुक्स. सो दीज आर योर ओनली नोट्स दैट यू ऑल विल बी हैविंग. किसी ने चेंजेस और अमेंडमेंट्स के बारे में मुझे पूछा है. ऑल अमेंडमेंट्स विच आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर योर अटेम्प्ट विल बी कवर्ड ओके इन दीज लेक्चर्स, सो यू नीड नॉट वरी. डिजिटल बुक्स मैंने किसी को प्रोवाइड की नहीं है, सो इवन दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर द डिजिटल नोट्स हैव एक्चुअली गॉट माई फिजिकल कॉपीज ऑफ द नोट्स. ठीक है, ओके. सो देखो, कुल मिला के यू हैव 5 acts टू लर्न इन आर सिलेबस. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जैसे मैंने कहा है सबसे ज्यादा वेटेज है, इसलिए समय भी मैं उसको सबसे ज्यादा देने वाली हूं. सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट आई एम स्टार्टिंग विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू सस्पेंड वट एवर यूल आर डूइंग एंड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वट एवर आई एम गोइंग टू टीच राइट नाउ. अब सुनो मेरी बात, एक्ट का नाम क्या है, क्या आप लोग मुझे एक साथ बोल सकते हो क्या, जोर से, जहां कहीं पे भी आप बैठे हो, एनी प्लेस एनी वेयर डज नॉट रियली मैटर. आपको कैमरा के सामने, आपके मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठे बैठे मेरे साथ बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग विथ. द नेम ऑफ द एक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग टूडे इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. What is the name of the act? बोलो तो बच्चों, Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act 1872. जो मैं कहती हूं 1872 मतलब क्या होता है, 1872 is the year when this particular act came into force. 1872 is the year in which this particular act came into force. And what is the exact date on which this act came into force? 1st September 1872. So 1st September 1872 को ये act की शुरुआत हुई. 1st September 1872 को ये act की शुरुआत हुई और इसी दिन से ये कानून जो है applicable होना शुरू हो गया. Applicable होना मतलब क्या? एप्लीकेबल होना मतलब क्या? बेसिकली ये जो कानून है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और ये कब कब अप्लाई करेगा. एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब होता है, ये जो कानून है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये किन किन लोगों को एप्लीकेबल है और ये कब कब एप्लीकेबल होगा. इनफैक्ट एवरी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 ऑलवेज टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. हर एक कानून कहा, जो भी कानून आप पढ़ने वाले हो, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इंटर लेवल में आप लोग पढ़ने वाले हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, कोई भी कानून क्यों ना हो, हर एक कानून का पहला सेक्शन जो होता है इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. वापस से मैं कहना चाहती हूं, एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब होता है, एप्लीकेबिलिटी मतलब ये जो कानून है ये किन किन लोगों को एप्लीकेबल है और ये कब से एप्लीकेबल होना शुरू होने वाला है. तो जहां तक मैं ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी की बात करती हूं, माई डियर फ्रेंड्स, दिस एक्ट अप्लाइज to whole of India. This act applies to the whole of India. This act applies to the whole of India. It applies to the whole of India. अब देखो, आप लोग जानते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पहले पहले जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, बट अब वो आर्टिकल हमने भारत संविधान से हटा दिया है, जिसके वजह से अब कोई भी सेंट्रल एक्ट जब इंडिया में आती है, देन माय डियर फ्रेंड्स, दोज एक्ट्स बिकम एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया.
अब वो कॉन्सेप्ट चले गया, अब वो कॉन्सेप्ट चले गया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. अब कोई भी सेंट्रल एक्ट अगर नोटिफाई होती है, दिस एक्ट ऑटोमेटिकली अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. जस्ट वन सेकेंड, लेट मी चेक. ओके, इफ यू फील द वॉइस इज मोर, प्लीज रिमूव योर ईयरफोन्स. और वॉल्यूम का टैब आपके पास है, आपके पास ऑप्शन है, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम एज यू विश टू. ओके, सो इफ यू फील द वॉल्यूम इज अ लिटिल हायर, यू कैन रिड्यूस द वॉल्यूम फ्रॉम योर एंड ऑल्सो. ओके, यू डोंट हैव टू मेक अ फस ऑफ एवरीथिंग. ओके, कम ऑन नाउ, यू ऑल आर फाउंडेशन स्टूडेंट्स यार, आप लोग प्रोफेशनल्स हो, बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना है. आवाज कम लग रही है, बढ़ा सकते हो, ज्यादा लग रही है, कम कर सकते हो, सिंपल. कितना टेंशन लेते हो आप लोग छोटी छोटी चीजों का. सुनो ना मेरी बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आज के जमाने में, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. इनफैक्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, अब अगर कोई भी सेंट्रल एक्ट पास होती है, एवरी सेंट्रल एक्ट माय डियर फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली बिकम्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. अब आज के जमाने में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर और एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्सेप्ट नहीं है. एवरी एक्ट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया. तो यही है सेक्शन नंबर वन जो बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में. क्या आप लोग एक साथ मुझे बता सकते हो, यू कैन रिप्लाई थ्रू चैट्स ऑल्सो, सेक्शन नंबर वन जो है वो बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के बारे में. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है प्लीज बताइए मुझे. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन द ग्रुप. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल टू, प्लीज टेल मी, इट इज एप्लीकेबल टू. कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन द ग्रुप. कम ऑन टेल मी, इट इज एप्लीकेबल टू व्हाट? कम ऑन टेल मी. वेरी गुड, वेरी गुड. कशिश, अलीशा, काजल, पीयूष, कनक, अर्श, नंदिनी, प्रणाली, वेरी गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल माई डियर फ्रेंड्स. सबसे पहले सही जवाब देने वाले बच्चों में से ये कुछ बच्चे थे जिन्होंने कहा है दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. बाकी के सारे बच्चों ने भी जवाब दिया है. वेरी गुड माई डियर फ्रेंड्स, एवरी वन is correct. So section number one of the Indian Contract Act says that this act is applicable to whole of India, whole of India, whole of India. आपको including excluding जम्मू एंड कश्मीर अब बोलने की जरूरत नहीं है, because the special status that was given to the state of Jammu and Kashmir has been removed now. So now all central acts are automatically applicable to the whole of इंडिया. तो अब देखो, वापस से मैं ये कानून के नाम पे आना चाहती हूं. क्या कहता है ये कानून का नाम? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. क्वेश्चन ये अराइज होता है, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? मैम, ओ मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? अब देखो, एक्ट कहती है, एक्ट कहती है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एक्ट कहती है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एंड अग्रीमेंट, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. अब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द में
दो शब्दों को जोड़ा गया है, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट क्वेश्चन अराइजेस व्हाट डू यू मीन बाय एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट व्हाट डू यू मीन व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अग्रीमेंट। अग्रीमेंट बहुत सिंपल वर्ड है जो हम लेमैन लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली किस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट इट इज एन अग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट इट इज एन अग्रीमेंट। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछती हूँ, डू यू वॉन्ट टू परचेज माई आईफोन फॉर रुपीज 50,000? आई एम ऑफरिंग यू टू सेल माई आईफोन फॉर रुपीज 50,000। मैंने ऑफर दी और आपने कहा क्या बात है, लाख डेढ़ लाख का फोन मुझे 50,000 में मिल रहा है, वो भी अंकिता मैम का, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स आई वुड लव टू परचेस योर फोन फॉर रुपीज 50,000 मैम। तो अब देखो यहां पे क्या हुआ है, मैंने ऑफर दिया है और आपने इसको एक्सेप्ट कर दिया है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मीन्स एन अग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मीन्स एन अग्रीमेंट। रिक्की कह रहा है यस मैम फोन दे दीजिए। श्रुति कशिश लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैं क्लास में दे रही हूं ये काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है? सो दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल पर्पस, ओके? तो सुनो ना मेरी बात, मैंने आपको एक ऑफर दिया कि क्या आप मेरा ये फोन 50,000 में खरीदना चाहते हो और आपने मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये ऑफर प्लस ये एक्सेप्टेंस बिकम्स एन अग्रीमेंट। बट अब देखो अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। एक्ट ने क्या क्या कहा है, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट के साथ साथ हमें और एक एलिमेंट का रहना जरूरी है एंड दिस एलिमेंट इज एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ये जो अग्रीमेंट है इट शुड ऑल्सो बी एनफोर्सिबल बाय लॉ। इट शुड ऑल्सो बी वॉट माई डियर फ्रेंड्स, एनफोर्सिबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या, देर शुड बी अ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, देर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, देर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे कि आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल, ठीक है? मैं कहती हूं चलो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, आज मेरा पहला दिन है मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के साथ, चलो क्लास के बाद आइसक्रीम खाने चलते हैं, गर्मी का मौसम है, लेट्स गो फॉर एन आइसक्रीम ट्रीट गाइस। अब ऐसे केस में मैंने आपको एक ऑफर दिया है कि लेट्स गो फॉर एन आइसक्रीम ट्रीट और आपने ये ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया है, कहा ऑफकोर्स मैम सिर्फ आइसक्रीम क्यों, चलो आइसक्रीम के बाद डिनर के लिए भी चलते हैं। मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, बट अब देखो क्लास के बाद मैं कुछ आइसक्रीम का नाम ही नहीं निकालती हूं, मैं आपको लेके ही नहीं जाती हूं फॉर दैट आइसक्रीम ट्रीट। विल यू बी एबल टू स्यू मी फॉर नॉट फॉलोइंग व्हाट आई टोल्ड इन क्लास? बोलो, मैंने आपको ऑफर दिया चलो आइसक्रीम ट्रीट के लिए चलते हैं, आपने हाँ भी बोल दिया, हाँ मैन ऑफ कोर्स व्हाई नॉट लेट्स गो फॉर द ट्रीट आफ्टर द क्लास, बट क्लास के बाद मैं कुछ नाम ही नहीं निकालती हूं आइसक्रीम ट्रीट के लिए जाने के लिए, मतलब बेसिकली अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक यू ऑल फॉर दिस ट्रीट। विल यू बी एबल टू स्यू मी
विल यू बी एबल टू स्यू मी? कशिश, श्रुति और निशांत कह रहे हैं नो मैम, हम आपको स्यू नहीं कर पाएंगे. तो क्यों बेटा, वाई विल यू नॉट बी एबल टू स्यू मी? आपने एकदम सही जवाब दिया. अच्छा कोई कह रहा है, मानव कह रहा है मैम COVID-19 है इसीलिए. बेटा आई नो COVID-19 है, बट इमोशनल मत हो. आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू. मस्ती करने की उम्र थी, खेलने कूदने की उम्र थी, और कहाँ आपको घर में लॉक कर दिया है. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू. बट अब बेटा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस फोकस फोकस, राइट? आप क्यों मुझे स्यू नहीं कर पाओगे? बिकॉज, वेरी गुड निराली, क्या बात है निराली, कीप इट अप. निराली जी कहती है कि मैम यहां पे सिर्फ ऑफर, मैम यहां पे सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस था. मतलब आपके बीच में और हमारे बीच में मैम सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ. मतलब हमारे बीच में सिर्फ अग्रीमेंट हुई, हमारे बीच में लीगल ऑब्लिगेशन कुछ नहीं था. बिकॉज द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वॉज ऑफ अ सोशल नेचर, वॉज नॉट ऑफ अ लीगल नेचर. देर वॉज नो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एंड नो एनफोर्सिबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट. तो हमारे बीच में जो रह जाता है वो सिर्फ रह जाता है एक अग्रीमेंट, और वो नहीं बन सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट. Getting this or no, my dear friends? बोलो. Similarly, आप आपके PPT books में भी देख सकते हो. देखो यहां पे इस example में क्या हुआ है. See, विराट और अनुष्का की wedding anniversary है, और इसी anniversary पे विराट अनुष्का को promise करता है कि hey अनुष्का, on today's special day, on our anniversary, I am going to gift you a diamond ring. So, अब basically विराट ने diamond ring देने का offer किया. अनुष्का ने उस चीज को accept कर लिया. But unfortunately evening में offer हुआ, एक्सेप्टेंस भी मिल गया. ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस भी मिल गया. बट अनफॉर्चुनेटली माय डियर फ्रेंड्स, विराट डिड नॉट गिव दिस डायमंड रिंग टू अनुष्का ऑन दैट इवनिंग. अब मुझे बताओ क्या अनुष्का विराट को स्यू कर पाएगी? क्या अनुष्का विराट को स्यू कर पाएगी? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. अनफॉर्चुनेटली अनुष्का विराट को स्यू नहीं कर पाएगी. क्यों नहीं कर पाएगी माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि दोनों के बीच में जो हुआ वो सिर्फ एक अग्रीमेंट माना जाएगा, सो वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स. सुयश, पीयूष, कोमल ने सही जवाब दिया था, बट सबसे पहले सही जवाब के साथ साथ रीजनिंग दिया है पूजा ने और ऋतुजा ने, और तीसरा जो बच्चा है या बच्ची है वो है निशांत. मैं देख रही हूँ इस ग्रुप में सारी लड़कियां ही सबसे ज्यादा एक्टिव है. लड़कों थोड़ा शर्म करो, आपका ध्यान कहाँ है? पढ़ाई पे ध्यान दो और मेरे सवालों के जवाब दो. कम ऑन गाइस, मोस्टली ऑल द गर्ल्स आर ओनली गिविंग द आंसर्स. यस, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा. क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा? क्योंकि देर इज नॉट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पर्संस. इनका जो अग्रीमेंट हुआ था दैट वॉज ऑफ अ डोमेस्टिक नेचर. तो समझ में आई बात आप लोगों को? आप लोग काफी स्मार्ट बच्चे हो. हाँ, वेरी गुड. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको अग्रीमेंट के साथ साथ चाहिए होता है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. आपको क्या चाहिए होता है? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. सो बेसिकली व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस
एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बोलो तो? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, सारी की सारी चीजें है तो ही माना जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है. ओके, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूं. आपके हिसाब से विच इज अ ब्रॉडर टर्म, विच वन इज द ब्रॉडर टर्म? कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉडर है या अग्रीमेंट ब्रॉडर है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो विच इज द ब्रॉडर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट? Yes, so all of you all have almost given me the correct answer. The term that is broader is an agreement. All contracts, okay, all contracts have an agreement. But every agreement may not turn into a contract. Why? There could be certain agreements which can remain as agreements and do not turn into contracts. Like the example that I gave you right now. I invited you for an ice cream treat. यहाँ पे आपके और मेरे बीच में क्या हुआ है? आपके और मेरे बीच में जो हुआ है, that is only an agreement. सिर्फ है एक offer and acceptance. Whereas, विराट और अनुष्का जो example था, उस केस में भी, my dear friends, हमारे बीच में जो हुआ है, that is only an agreement. Why? Because the relationship between them is of a domestic nature and there is no legal obligation. तो कोई भी contract बनने के लिए आपके पास होना चाहिए offer प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, देन ओनली इट विल टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल गेव मी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ यू ऑल गेव द करेक्ट आंसर, एंड द आंसर इज दैट अ अग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर्ड टू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर ऐसा कुछ मुझे बताना हो थ्रू अ डायग्राम, दिस इज an agreement and this is a contract. Broader term matlab super set jo hai wo kya hai? Agreement. Ab ye agreement social bhi ho sakti hai, domestic bhi ho sakti hai, but agar aapki agreement commercial type ki hai to aapka agreement kya ban jayega? Ban jayega ek कॉन्ट्रैक्ट, बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट, बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो गाइस, बोलो. तो जैसे कि यहां पे देखो क्या हुआ है, देर आर टू पार्टीज, आमिर एंड शाहरुख. अब आमिर जो है वो शाहरुख को पूछ रहे हैं, हे शाहरुख, Are you interested to buy my car at 50 lakh rupees? यहां पे आमिर ने दिया है एक ऑफर और शाहरुख ने इसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है. शाहरुख ने इसी ऑफर को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है. अब देखो यहां पे ऑफर भी है और एक्सेप्टेंस भी है, दोनों के बीच में अग्रीमेंट है. प्लस This agreement is of commercial nature. Because this agreement is of commercial nature, यहां पे agreement है जो enforceable है, and an agreement enforceable by law.
टर्न्स आउट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट. तो अब दोनों के बीच में जो होगा विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट, विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट. गेटिंग दिस और नो माई डियर फ्रेंड्स?